अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज आपको मैं जो है ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसका मॉडल जो है ये 2017 का है, गोल्फ 7 है और फोवे गोल्फ 7 है। इसकी आज हम बहुत अहम चीज़ हम उसको कहते हैं एयर फिल्टर। तो ये गाड़ी का जो है बहुत ज़रूरी होता है और मैं तो आपको यही गुजारिश करूंगा कि हर सर्विस पर आप इसको जो है वो चेंज करवाएं, समझ लें कि ये दिल का काम करता है, तो इसलिए इसको जो है वो ज़रूर चेंज करना चाहिए। तो चले इसका बोनट खोलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर और आपको दिखाते हैं कि ये कैसे चेंज किया जाता है। ये हमने बोनट खोल लिया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इसका एयर फिल्टर चेंज करना है जिसको यहाँ पर जर्मनी में लुफ्ट फिल्टर कहते हैं। तो ये देखें, ये डीजल गाड़ी है, TDI इसका नाम है, यहाँ पर इसको TDE बोला जाता है। तो ये 1.6 मोटर है इसकी, तो इसको हम जो है आज इसका जो एयर फिल्टर वो चेंज करेंगे। और इसका एयर फिल्टर ये जो है ये देखें, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये इस बॉक्स के अंदर इसका एयर फिल्टर है। तो इसके लिए हमें ये देखें जो ये पेच स्टार वाले इसके पेच हैं ये हमने खोलने हैं ये सारे, और इसके बाद इस बॉक्स में से हम एयर फिल्टर इसका निकालेंगे और लुफ्ट फिल्टर निकालेंगे और नया डालेंगे। तो ये देखें जी, ये जो आपको स्टार वाली बिट नज़र आ रही है तो ये हम इस्तेमाल करेंगे, ये T25 नंबर की है। तो ये हमने रैचर जो है तैयार कर लिया है, इसमें ये देखें हम बिट लगाएंगे और इनको खोलना शुरू कर देंगे हम ना इस तरह सारे खोलेंगे और फिर हम इसके अंदर नया लुफ्ट फिल्टर या एयर फिल्टर हम लगाएंगे। इस तरह सारे बाहर नहीं निकालने होते, जहाँ पर ये फ्री हो जाता है वहीं पे छोड़ देना चाहिए इसको ना। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये बहुत ज़रूरी होता है और ये आप आराम से किसी भी घर की करीब जगह जो भी हो वहाँ पर आप इसको आराम से खोलकर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये जो हमने नया ख़रीदा हुआ है ये इसको डब्बे में से निकालेंगे और आपको दिखाएंगे भी। ये जो गाड़ी है ये जर्मनी ही की बनी हुई गाड़ी है और यहाँ पर इसकी काफ़ी अच्छी मार्केट है, बहुत सारे लोग इसको जो है पसंद करते हैं ख़रीदना, क्योंकि ये जो है शिफारसम भी होती है और पार्ट के हिसाब से जो है इंसान को काफ़ी फ़ायदा रहता है कि आसानी से इसके पार्ट्स भी मिल जाते हैं। और इसके अंदर जो इसके फीचर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ये देते हैं। सारे पेज में आपको दिखा दूँ, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे हमने जो है इसके लूज़ कर लिए हैं। तो अब हम इसको जो है डब्बे को उठाएंगे ऊपर और अगर कोई पेज लगा हुआ है तो उसको हाथ की मदद से थोड़ा सा खोल लें जो है वो। ये देखें ये लूज़ हो गया है, तो ये इतनी आसान है। तो ये देखें, ये अंदर इसके एयर फिल्टर पड़ा हुआ है, लुफ्ट फिल्टर जिसे कहते हैं, वो हम उठाएंगे यहाँ से ऊपर से तो ये साफ़ ही नज़र आता था, इसकी बैक साइड गंदी होती है वो देखनी होती है। तो हम इसको ऊपर निकालेंगे, इसका बॉक्स भी साफ़ करना होता है और जो है ये देखें ये काफ़ी इसकी कंडीशन जो है वो गंदी है और ये है ये देखें
इंतहाई आसान है, आप इसको किसी जगह पर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हम इधर साइड पर रख देते हैं और ये हम धनिया लाए हैं वो खोलते हैं, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें उसमें क्या फ़र्क है। तो ये देखें, ये आपको साफ नज़र आ रहा है, बिल्कुल नया है, और जो पुराना है वो भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये पुराना है और वो नया है। तो अब हम इसको बक्स साफ करके तो नया इसमें डालेंगे। तो ये देखें, ये जो है सोप जोगर के साथ, वैक्यूम क्लीनर के साथ मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर जो है वो सोप जोगर नहीं है, तो वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो आप इसको साफ़ नहीं कर सकते। आप कपड़ा ले कर कोई भी साफ़ करने वाली स्प्रे लें और उसके साथ इसको, या इसकी जो मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह है वो आप इस तरह साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमने साफ़ कर लिया, और अब ये जो नया फिल्टर है हम ये इसके अंदर रखेंगे, और ये जो मोटी तय है ये नीचे आती है, और ये ऊपर जो आपको लाल सी नज़र आ रही है ये इस गुमी को ऊपर की तरफ रखते हैं। इस तरह जो है ये चारों तरफ से इसकी कॉलर में जो है फंस जाना चाहिए, यहीं से बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये देखें, ये बिल्कुल, क्योंकि इसका साइज़ बिल्कुल ठीक है, इसलिए ये देखें, ये चारों तरफ से ठीक बैठ गया। अब इसी तरह इसको हम ऊपर से जो है दोबारा लगाएंगे, और जिस तरह खोला उसी तरह हम इसको बंद करेंगे। ये देखें, इस तरह आपने इसको दोबारा चारों तरफ से देखें, ये आपको बैठे हुए इसको ना दोनों किनारे इसके आपस में मिल गए। और अब ये जो पेज खोले हैं इसको हम जो है टाइट करेंगे सबको, और ये हमारा देखें 5-6 मिनट लगे, और हमने जो है अपनी पार्किंग में ही ये लुफ्त फिल्टर जो है एयर फिल्टर हमने चेंज कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसको टाइट नहीं करना, जहाँ पर ये आपस में मिल जाते हैं वहाँ पर ये टाइट हो, उसको वहाँ पर जो है टाइट करके छोड़ देना चाहिए। मैं देखें, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, पीछे से नहीं, और बस यहाँ पर इसको छोड़ देना है जहाँ पर ये आपस में मिल जाते हैं। तो ये देखें जी, ये सारे इसके हमने टाइट कर लिए हैं, और इसके अलावा हमने जो है कोई भी चीज़ नहीं और खोली थी। तो ये जो है हमारा जो एयर फिल्टर है, लुफ्त फिल्टर, ये हमारा चेंज हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।